First and all, I would like to say knowledge is not power. Knowledge becomes power when you disseminate it, when you go through with the people, and when you implement that, so that become the power. But now here, what I wanted to say, ke last two budgets, we have been here and discussing each and everything, ke hum logo ke jo halka hai, wahan pe mudakhalat ki ja rahi hai. All the time, we raise our voice for the people of Balochistan, for our constituencies, for the poor people of Balochistan. But no one can heard us ke what our point is. So, isme main ye bata dun, before Ramzan, I went in 10 districts of Balochistan, jin mein maine interiors ko ja ke dekha. Many of my MPA brothers know ke, or even ministers, ke I have been there in their areas. लेकिन सर रूरल एरियाज़ की हालत जो तबाह थी अब तबाह तरीन हो गई है. ग्वादर में हम देते हैं कि इमर्जिंग बलूचिस्तान, वी आर गिविंग पीपल इमेजिन दैट कि हम बलूचिस्तान कितनी तरक्की कर रहे हैं. हमने ग्वादर में जो है ना स्टेडियम खोला, लेकिन सबसे ज़्यादा रोने की बात यह है कि जिनकी तजवीज़, जिन लोकल लोगों की तजवीज़ पर वो स्टेडियम बना, उन लोकल क्रिकेट टीम के बच्चों को वहाँ खेलने की इजाज़त नहीं है. वी हैव मैनी वीडियोज ऑफ दीज लोकल एरियाज के बच्चे, टीम्स बाकायदा खुद कह रहे हैं कि हमें एंटर होने की इजाज़त नहीं है. हम रोडों पे बड़ा नाज करते हैं कि वी आर गोइंग टू, यानी तीन डुइल हम रोड्स बना रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे जितने एक्सीडेंट्स में ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये हमारे बलूचिस्तान का एक मुँह बोलता सबूत है. हम एक डिस्ट्रिक्ट में हमने 8 फुटबॉल ग्राउंड्स को बड़े बेहतर, 2 साल पहले एक बजट में अनाउंस किया कि 8 फुटबॉल ग्राउंड्स हम बना रहे हैं, वी आर गोइंग टू डेवलप. हम फुटबॉल ग्राउंड से डेवलप नहीं हो सकते जब तक हमने अपने लोगों को ग्रास रूट लेवल पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी है. जनाब चेयर, इस पर मैं दोबारा आऊँगी कि अभी रिसेंटली मैं एक जगह पर गई, एक फातिया पे, एक नहायत अनएजुकेटेड एक खातून, जिसका मेरा ख्याल है बलोच कोयटा तक आने का भी कभी इतफाक नहीं हुआ होगा, उसने बलोचिस्तान का हाल अहवाल जिस तरह, उस कुरान पाक को पकड़ के जिस तरह, तमाम यकीन करे दिल खून के आंसू रो रहा था कि उसने जिस तरह पेश की बदुआओं के साथ, रियली आप इमेजिन नहीं कर सकते उसका दर्द क्या था कि उसके एरिया में कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई BHUs नहीं थे, उनके पास वाटर सप्लाई स्कीम नहीं था. वो कहते हैं हमारे पास ना हेल्थ है, ना हमारे पास स्कूल है, कुछ भी नहीं, हम जो है ना मारे जा रहे हैं, हमें बल्कि हमारे हुक्मरान मार रहे हैं. उनके अल्फाज ये थे कि वो कहते थे हमारे हुक्मरान इस चीज़ का जिम्मेदार है. तो एयर आई एडमिट कि वाकई जहाँ पे अदल नहीं, जहाँ पे इंसाफ नहीं, जहाँ पे मसावत नहीं, तो डेफिनेटली दीज थिंग विल बी हैपन. अगर ग्रास रूट लेवल पर हम चीज़ों को नहीं देंगे, बदला लें आप शख्सियतों से, आप बदला लेना चाहते हैं, आप लोगों को क्यों आप ख्वार कर रहे हैं? आपने लोकल गवर्नमेंट के फंड को रोका, आपने रिवेंज लिया अपना, आपको अपना जाती कोई बदला होगा, लेकिन जो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट है जो इसी लोकल गवर्नमेंट के फंड से होता है, वो लोग पूरा साल इंतजार करते रहे और हमने आज तक एक गली, एक नाली, एक वाटर सप्लाई, एक चीज़ हमने बनवा के नहीं दी, क्योंकि मेरा बदला लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ है. मैं, मुझे बदला लेना है मिनिस्टर एजुकेशन से, मैंने एजुकेशन को तबाह कर दिया. रिवेंज लेने के और कई तरीके होते हैं अपने अवाम को इस तरह ख्वार करने से. जनाब चेयर, हम इस तरह अपने आप को सुरखुरू या हम अपने आप को बाला तर ना समझें, बदले लेने के और बहुत से जरिए हैं, लेकिन ये असेंबली, ये फ्लोर बदले लेने के लिए नहीं होते. आप एक एग्जेक्टिव हो, आप पूरे बलूचिस्तान के एग्जेक्टिव हो. इस वक्त अगर आप चेयर कर रहे हो तो ना आप अपोजिशन के हो, ना आप गवर्नमेंट के हो, आप हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं, आप हम सबको इक्वल रख के देखते हैं. तो इसी तरह हमारे जो एग्जेक्टिव है, जो हमारे सूबे के एग्जेक्टिव है, उनसे भी मैं बारहा ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सबको इक्वल लेके चले. डिवेलपमेंट सिर्फ 4 ग्राउंड खड़े करने से, एक रोड को डबल करने से नहीं होता. डेवलपमेंट तब होगी जब आप अपने लोगों को चेंज करोगे, जब आप ग्रास रूट लेवल तक जाओगे. मैं एक अवामी वर्कर हूँ, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, एक एजुकेशनिस्ट हूँ. मैं सिर्फ ये नहीं कहूँ कि शकीला ने बलूचिस्तान, पूरे बलूचिस्तान की मट्टी मैंने छानी है. मैंने सिर्फ ये नहीं कि मैं कोयटा से, या मैं डायरेक्ट अपने घर से उठ के मैं यहाँ आई हूँ.
पूरे बलूचिस्तान के एक एक चप्पे से एक एक किली की हकीकत मैं आपको बताऊं, लेकिन तरक्की हम तब तक नहीं करेंगे जब तक अपने अपने ग्रास रूट लेवल को चेंज नहीं किया। आज हमारे बच्चे नशे के आदी हैं, आज हम कहते हैं हमारे बच्चे चोर बन गए हैं, उसकी अगर ग्रास रूट लेवल तक जाकर हम देखें, क्या हमने बलूचिस्तान में सनअतों पर काम किया? क्या आज तक हमने उनके लिए रोजगार के मौके ढूंढे? नो जनाब स्पीकर, हुकूमतें रिवेंज से नहीं चलती। आपने अगर एग्जेक्टिव बनना है सो यू हैव टू थिंक अबाउट वे फॉरवर्ड कि आपने आगे चल के क्या करना है, एंड यू हैव टू टेक ऑल दिस पीपल ऑन वन टेबल कि इनके इलाके में क्या मसाइल हैं। आपने फंड एलोकेट नहीं करना, आप एक रुपया किसी को ना करें, लेकिन तजावीज़ उन लोगों की हो जो उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि यहाँ के मिनिस्टर जो बैठे हैं उन्हें भी इस दफ़ा का बजट का नहीं पता। जनाब ज़ऊर बुलेदी साहब यहाँ बैठे हैं, वो अभी हमें बताएंगे ना कि उन्होंने क्या किया है। उनको तो आज तक मैंने एक मीटिंग में बैठे हुए नहीं देखा, जो वज़ीर ख़जाना है हमारे, और बाकी मिनिस्टर्स को भी मैंने कभी नहीं देखा मीटिंग में बैठे हैं और वो प्री प्लानिंग्स कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग तब कामयाब होगी जब आप हकीकी नुमाइंदे को लेंगे, हकीकी नुमाइंदे को बिठाएंगे, वो बात करेंगे। जहाँ तक हम कहते हैं कि हमारे जो है ना, हम तो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान सिक्योर हो गए, अब धमाके नहीं हो रहे, धमाके नहीं हो रहे तो हमारे इस जैसे जवान कहाँ जाते हैं? एक हयात के लिए आवाज़ उठाई हम रो रहे थे, आज हम फैज़ान के लिए रो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने प्यारों के लिए भी बैठ के इसी तरह रोएंगे, क्योंकि जब तक हमें एहसास पैदा नहीं होगा, जब तक हम अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे पाएंगे। किसी ने कहा हमने ये ईद फलस्तीन के लोगों के लिए रो के गुजारी है, मैं कहती हूँ 28 ईदें मैंने ईद का पहला दिन मिसिंग पर्सन के कैंप में जाके गुजारती हूँ। 28 ईदें कोई छोटी बात नहीं है। 14 साल से इस कैंप में मैं हर ईद के पहले दिन जाती हूँ। जनाब स्पीकर, सिर्फ ईद रोने के लिए नहीं है, लेकिन जब तक इक्विटी इक्वेलिटी और आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं कहती कि हम कभी भी कोई अच्छा बजट बना पाएंगे या कभी हम तरक्की कर पाएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया मैडम।